अम्मी मेरा जीना तो हराम कर रखा है अम्मी, मर जाऊं क्या मैं जहर खा के? बेटा तुझे बस शेख से मतलब है, तू उसे मरने दे। क्या मरने दे? हाँ देख ले, देख ले क्या खप्पर भर रही है, कैसे अपनी माँ को सिखा रही है एक ही चार चार लगा के। क्या? ना ना मेरी बच्ची, हिम्मत से काम लिया करे, हिम्मत से। हिम्मत तो अम्मी खत्म हो ली, अब तो बस तेरा ही सहारा मुझे। बेटी मेरा सहारा तो अल्लाह ने छीन लिया, मैं ही तुम्हारे सहारे हूँ, बस एक बार सन्नो का रिश्ता हो जाए फिर मैं फ्री फ्री हूँ। अम्मी पहले सन्नो की सोच ले, मेरी नहीं सुन रही तू, मैं क्या करूँ? चुप हो जा बेटी, तू रोवे मत। क्या अम्मी नुकसानाबाजी रो रही है? हाँ बेटा, उसकी सास उस पे बड़े जुलम कर रही है। अम्मी तुम रुखसानाबाजी को यहीं बुला लो। बुला क्या लूं बेटी, मुझे वहीं जाना पड़ेगा। मेरी सुनी नहीं रही हो, बताओ क्या करूं? क्या बताऊं मेरी बच्ची, और वो शेख चिल्ली कहाँ मरे है, क्या कह रहे वो कुछ बोले है या ना बोले? उसकी मत पूछो, अगर वो काम का होता तो मेरा दुखी खत्म ना हो जाता। अब की तू मेरी बात सुन, एक काम कर, तू बिल्कुल चुप हो जा, और फिर भी लड़े ना तो तू बस मुझे फोन कर दियो। अम्मी मैं तो फोन भी छुप के करती हूँ, दोनों माँ बेटा मेरे पीछे पड़े रहते हैं साई की तरह। अम्मी मुझे बचा लो अम्मी। देख ले क्या खप्पर भर रही है, कैसे अपनी माँ को सिखा रही है एक ही चार चार लगा के। हेलो हेलो, हाँ तू ऐसा कर, शेख चिल्ली को तू अपने प्यार में फंसा ले, उसे मरने दे हरामजादी को, मेरी सुसरी को। अम्मी प्यार की तो चिड़िया भी नहीं है इस घर में। अब तू भी ऐसा कर, तू भी बिल्कुल शैतानी पे आ जा, दिखा दे तू भी कि मैं कितनी बिगड़ी हुई मैतारी की बेटी हूँ। वो कैसे? अम्मी मैं समझ नहीं पाई। हेलो हेलो, ला अम्मी तू मेरी बात करा। हेलो, हाँ माँ जी। सन्नो ये अम्मी क्या कह रही है? अम्मी सही बोल रही है, सीधी कर दे सबको, जो होगा देखा जाएगा। बाजी जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उसे तिरछी कर लेनी चाहिए। वो कैसे? जैसे अम्मी करती थी दादी के साथ, तुझे याद नहीं है? हाँ सन्नो ये तरकीब सही बताई है तूने। ले अम्मी से बात कर। अब मैं ऐसी करूंगी, तूने सही बताया। हाँ यू क्या बता रही तुझे, कुछ सबक लिया ना लिया तूने इससे? सन्नो ने जो बतलाया बस वो ही करूंगी अम्मी। अगर वो फिर भी ना माने तो मैं हूँ, अगर उसे छठी का दूध याद ना दिला दिया तो मैं भी नसीबन बरेली वाली नहीं। अब की बार वो कुछ करे तो तू यहाँ आ जाइये, और नहीं मुझे वहाँ बुला लिए। चलो ठीक है अम्मी, रखती हूँ फोन। हाँ ठीक है, रख दे रख दे। अम्मी मैंने सही नहीं दिलाई याद दादी वाली बात। तुझे ऐसी बात तो बहुत याद रहे, वैसे तुझे ये भी याद न रहता मैंने दुकान पे से कौन सी दाल मंगवाई है। जा अंदर जाके कुछ बना ले खाने को, खून पी रखा है मेरा, झोटी हो रही है खा खा के, काम की न काज की दुश्मन अनाज की। देख ले अब तू, देख लिया ना अपनी आँखों से चरित्र। ए, सिखा दी अपनी अम्मी, कत्ल करवा दे हमारा, फांसी पे लटकवा दे हमें। है तेरी अम्मी दरोगा है ना? क्या सिखा दी? अपनी अम्मी से बात ना करूं, अम्मी है वो मेरी अम्मी। हाँ अम्मी से बात कर, हमें सुन ली, हमने सब सुनी, तू फोन बात कर रही। एक काम कर, रोटी पका ले, रोटी पका ले, और सालन अच्छा सा पकाइयो, अच्छा ना पका तो तू ही जानेगी फिर। सालन भी ना पकाना आता, कभी नमक कर दे तेज, कभी मिर्च कर दे तेज, कुछ सिखाया तेरी मतारी ने? अम्मी है मेरी अम्मी। अब हमारा मुँह देखती रहेगी खड़ी खड़ी, अब हमारी छाती पे खड़ी रहेगी, अंदर जाके बना ले वरना। वरना क्या कर लेगी? देख ले कितनी जबान चला रही है, एक भी बोल नहीं गिरन दे रही। मतारे ने यही सिखाया अपने आदमी का सामना करना, और एक बात सुन ले, खाना अच्छा पका लियो। जैसा पकेगा ऐसा पकाऊंगी, खाना हो तो खा लियो ना तो मत खाइयो। उबे हमारी अम्मी के सामने जुबान लड़ा रही है, अम्मी के सामने बोल रही है कमबख्त। मैं हमारी अम्मी के सामने तो आज तक हमारा अब्बू नहीं बोला था, है कभी अब्बू ने जुबान नहीं निकाली? वो ही तो,
जबान तो अब निकालनी पड़ेगी। क्या भाई इसका मतलब तू हमें मारेगी, बिन बात में धमकाएगी, दबा कर रखेगी अपने आदमी को, हैं? अम्मी का पैतरा सारा लेगी तू। तो क्या तुम्हारी अम्मी अब्बू को मारती थी? अगर मारती थी तो तुम भी समझ लो। देख ले, देख ले। जब बेटा तेरे आगे ऐसी तर तर जबान चला रही है तो पीछे मेरा क्या हाल करती होगी ये? हाँ सही बोल रही है अम्मी। सही बोल रही है अम्मी, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? समझ ली, अब तो समझ। अपने घर जा, हमें ना है तेरी जरूरत, मेरा बेटा है, मेरी मानेगा, समझ गई तू? सुन लो, तुम्हारी मतारी सही बोल रही है, ये सही बोल रही है क्या? भाई एक बात सुन ले, मेरी अम्मी की चलती है घर में, जैसे मेरी अम्मी कहेगी वैसे होएगा। अभी ले, अभी फोन मिला रही हूँ, रुक अभी। मिला, मिला फोन। है, रुखसाना का फोन आ रहा है। हाँ बेटा। अगर मैंने तुम्हारी खाट अभी ना खड़ी करवाई, जा मुझे इस घर में आग लगानी पड़े अभी। क्या? तो तू हमारे घर में आग लगाएगी? हाँ हाँ लगाऊंगी, और तेर में भी लगाऊंगी। है? अरे? है? हेलो? तुम सब में आग लगाऊंगी। अच्छा हाँ? हमारे घर में आग लगाएगी? मार ले, मार 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 बेटा, मार इसे, मार ना, तब तक जवान चला रही है, मार मार मार। अरे बेटा तू रो क्यों रही है? मार को बेटे इसके, अरे ना आग लगाएगी, हराम जादे मेरी बच्ची को मार रहे हैं वहाँ पर, अरे कोई तो कुछ करो। अम्मी अम्मी तू जा, सरीप को बुला गला, सरीप को बुला गला, उसने करवाया निकाह। ठीक करा है बेटा, तो ठीक करा है, उस हराम जादे को लाऊं बुला के, उसी ने निकाह करवाया था, हराम जादे ने। जान दे मार दूंगा, साली कहीं की नहीं छोड़ू, कहीं की भी नहीं छोड़ूंगा। हेलो अम्मी। हाँ रुखसाना, मैंने सब सुन लिया है, तू घबरावे मत मेरी बच्ची, मेरी लाडो। क्या तू रो रही है? रो रही है अम्मी, लाओ मुझे फोन दो। हेलो बाजी, मैंने बताया नहीं था बाजी, बस भूल गई? नहीं भूली, हाँ ठीक है सन्ना। ओवे 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 मार बच्ची, मार 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 मार, तमीजी मत कर। अच्छा इगला देख के, इगला देख के वार कर रही है, इगला समझ के वार कर रही है, मार दूँगी और ले, छोड़ दो, इगला देख के वार कर रही है। अच्छा सन्ना को मारो, ये लो और लो, जान तो मार दूँगी, और क्या एक एक को मार दिया, अब नहीं छोड़ दी गई है, नहीं नहीं छोड़ दो, सेंग जी गलती हो गई, सेंग जी को मत मारो, जान से मार दूंगी, सेक के बच्चे मैं छोड़ दे, मुझे मार दे, मार मर गया, मार उधर मान जा, मान जा, मान जा, ज्यादा गुस्सा ठीक, ज्यादा गुस्सा ठीक ना, ज्यादा गुस्सा ठीक। अच्छा अब ज्यादा गुस्सा ठीक ना, बोल मेरी माने का या अपनी अम्मी की? अब एक बार सुन, एक बार सुन, रुक जा ना, तो ये गुस्से में कर रही है या प्यार में? बोली बोल। अच्छा बेटा, प्यार तो तेरी माने और तूने सब निकाल लिया मेरा, गुस्से में कर रही हूँ, गुस्से में, गुस्से में कर रही है। अगर तू ये पूछ रही है ना, तो साली बात सुन, अपनी अम्मी की मानूंगा, अपनी अम्मी की, और तू सोच रही दबा कर रखूंगी। साली एक बार तू मेरे ऊपर से उतर जा, तो मैंने भी तेरा हिरना बनाया, तो मेरा नाम शेख जी नहीं है, अम्मी से ज्यादा प्यार नहीं करूँ तुझे। क्या उठ जाओ? अच्छा तो पागल मान रहा मुझे, ताकि मैं उठ जाऊँ तू मुझे लपेट दे, मैं उठने वाली नहीं हूँ जब तक वो नहीं आएंगे, तुम लोगों ने बहुत मारा मुझे। तूने किस जन्म की दुश्मनी निकाली, ऐसा रिश्ता करवाया है? रुक जाना, मान जा, मैं लोग क्या कहेंगे तुझे, तुम ऐसा करेंगे, लोग तुझे उंगली उठाएंगे। उठाने दो, उंगली उठा या अंगूठा, मैं उठने वाली नहीं हूँ, आज जान से मार ही दूंगी।
शरीफ भाई अपने आंखों से देख ले ये क्या हो रहा। शरीफ भाई बचा, बचा बचा मेरे लौंडे को। तो जीव निकलेगी और अम्मी भी आ रही है। भागले रुखसाना बेटा आज खैर नहीं। अम्मी बचा ना। हैला ये क्या हो रहा। आय मरिया। अरे अरे हराम जादे तुझे शर्म ना आई है। बहू पे पिट गया, जमीला का नाम मिट्टी में मिला दिया। अब अपनी बंद करेगी या मेरी भी सुनेगी। मेरी बात सुन। बोल बोल क्या अम्मी, लड़ाई तो चल रही है। मैं चार बार बैठा था, तू चली गई शरीफ भाई को बुलाना। जैसे मैं बैठा एकदम झपट के बिल्ली की तरह और मुझे मुर्गा सा दबा के और चार बार पलट दी, ऊपर बैठ गई और मेरी जीभ निकाल दी और मुझे मारा भी। अच्छा देखो शरीफ भाई, अब बात हो गई हद से पार। जिस औरत ने अपने आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया उसके लिए लाज क्या और शर्म क्या, वो हो गया बिल्कुल बेशर्म। सही कह रही तुम जमीला भाभी, ये तो पूरी नंगाई पा गई। अच्छा देख अब मेरी सुन, तू तो जा काम पे और मैं इसका राह बांधती हूँ। इसका राह बांध दे, राह बांध दे इसका साली का। जो मैं राह बांधूंगी तुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। ठीक है तो अब तू जा काम पे, आने दे हरामजादी को, आएगी तो घर पे ही। मगर अम्मी एक बात सुन ले। क्या? तुम बच के रही हो, तूने तो मुझे बचा लिया, मगर तुझे कौन बचाएगा। ठीक है मैं सब देख लूंगी। देख लिए शरीफ भाई उसके लक्षण? हाँ जमीला भाभी मैंने देख लिया, अब मैं चलता हूँ। वहाँ निकल ले, चलता हूँ भाई। हाँ आया काय को एक्सरसाइज करवाना आया, चलता हूँ। हैं भाई जब कुछ बात ना किस्सा, इसे काय को लाई। हाँ इस आराम जाने ने इतनी बदवाई हमारे घर में, इसने ही नाश करा हमारे घर का जान बूझ के। अब चल दिया जमीला भाई, मैं चल के देखता हूँ। देखेगा क्या अपने एक्सरसाइज देखेगा। जी तो ऐसा कर रहा, इसी का लित्तर बजाऊं। हाँ जो तो पिटवा दिया, भीतर ले जाएगी। अम्मी फोन मिलाती हूँ अम्मी को, अगर इनकी खाट खड़ी मैंने ना करवा दी तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। जा तो रही है घंटी। हेलो अम्मी मेरी सुनो। हाँ बेटा तू बोल बेटा, मैं सुन रही हूँ तेरी बात। अम्मी मेरी जान खतरे में, मुझे मार रहे हैं ये। क्या? हाँ अम्मी मैं तो जंगल में भागी आई हूँ, लेकिन अब क्या करूँ। तूने कुछ कर दिया क्या मेरी बच्ची? अम्मी मुझे जो सन्नो ने बताया वो ही कर दिया, मुझसे तो गलती हो गई। सन्नो ने बताया? सन्नो ने क्या बता दिया तुझे? यही कि जो अम्मी अब्बू के साथ करती थी तू भी वही कर दे, और मैंने कर दिया। क्या तूने खाट वाला सीन तो नहीं कर दिया? सन्नो ने तुझे वही बताया होगा। हाँ अम्मी वही कर दिया। अरे वाह मेरी बेटी, मेरी शेरनी, इसे कहते हैं माँ की सीख। जो मैंने सिखाया बिल्कुल वही किया, अब इनकी अकल बिल्कुल ठिकाने आ जाएगी। अब क्या करूँ, घर कैसे जाऊँ मैं, मुझे तो मार डालेंगे। तू घर मत जाइयो, मैं आ रही हूँ। अगर चली भी जाए ना तो चुप रहियो, कुछ मत बोलियो। ठीक है अम्मी आ जाओ, रखती हूँ फोन। ठीक रख दे, चल सन्नो। अम्मी कपड़े बदल लूँ? हराम जादी तेरा रिश्ता लेकर न जा रही हूँ वहाँ पे। चले सही, जा मेरी चप्पल लिया वहाँ से। ये मुझे दुखी करके रखे बालक। अरे लिया अम्मी ये वाली चप्पल पहन। चलो रात में जा रही हूँ मैं, जो तेरी चप्पल पहन के जाऊँ। लोंडिया बना दे मुझे, चल। ये बकरी भी पैपे ही करती रहे। ओए अगर अम्मी से लिपट गई रुखसाना तो अम्मी कौन छुड़ाएगा। मेरी अम्मी को मार लेगी। बोला जी क्या सोच रहे हो, काम चालू करो। मैं भाईजान मैं सोच रहा हूँ काम चालू करूँ या अम्मी को बचाऊँ। क्या मतलब? हाँ भाई मतलब ये है कि मेरे घर में शेरनी है, मैं तो बचाया उसके पंजे से। अब मुझे डर ये है कि अम्मी अकेली है घर में। ओ भाई पहले अम्मी को बचा ले, काम कर लियो बाद में। हाँ भाई मेरी समझ में यही आया, हर काम में तो लगो आग। मैं तो पहले अम्मी को बचाऊंगा, अम्मी है। क्या ये क्या मतलब? मेरा मतलब ये है काम तो मुझे बाद में ही मिल जाएगा, काम तो फिर भी कर लूंगा, पहले अम्मी अम्मी को बचाऊंगा। जा तू जा, पहले अपनी अम्मी को बचा फिर कर लूंगा काम तो आगे। हाँ जा हो जाएगा सब। इन लोगों का काम करने को मन करता ही नहीं,
इन्हें हराम की चाहिए हराम की। और कुछ ना तो अम्मी का ही बहाना बनने लगा। मेरी लाड़ो परेशान कर रखी है रामजादों ने। आज इस हरामजादी की शक्ल को न फोड़ा ना मैंने तो मेरा नाम भी नसीबन बरेली वाली नहीं। अम्मी कोई बात हल्की नहीं पड़नी चाहिए वरना सोचेगी डर के चली गई। हल्की? तू बस चुप रहिए और देख आज अगर मैंने उसे फाड़ के ना सुखा दिया ना तो मेरा नाम भी नसीबन बरेली वाली नहीं। अम्मी तुम चुप रहना मैं बोलूँगी। तू चुप रहिए अपने मुँह को बंद रखिए नहीं तो यूँ कहेंगी बड़ी तो बड़ी छोटी उससे भी ज्यादा बदतमीज है। ठीक है अम्मी। हाँ चल चलो मुँह को बंद रखिए अपने। तू मैं भी अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ इतना अम्मी आएंगी इनसे बोलूँगी नहीं कुछ भी। इंगे कोई देख रही है जैसा खाएगी मुझे। जा जा चली जा हमें ना है तेरी जरूरत। तू तो सोच रही होगी कि रोटी बनाऊंगी जब ही जाएगा काम पे। वो तो चला भी गया काम पे। भोगती रहे कितनी भोग ले मैं भी सुनने वाली नहीं हूँ तेरी। तेरी अकल ठिकाने करके जाऊंगी। आ जान दे मेरी अम्मी को। मैंने तो दे दी अपने को पका कर रोटी। हमें ना तेरी रोटी इनकी जरूरत। मेरा बेटा तो गया काम पे और असल माँ बाप की है ना तो आम मत जाइयो। जो म्हारी बात मानना है तो आइयो वरना वहीं रहियो। भोगना बंद नहीं कर रही अभी। आज इसका रोज रोज का कलेश मिटाई दूंगी। तू अपने मुंह को बंद रखिए कभी बुढ़िया तेरे मुंह को फोड़ दे। तुम्हें काहे के लिए ले जा रही हूँ। अब तो मुंह से बोल भी ना निकल रहा। जा चल भग जा। भगते होंगे तेरे खानदान में जमीला। हमारे खानदान में लेने आते हैं लेने। लेने आई हूँ तू मुझे जानती नहीं है। मेरा नाम नसीबन बरेली वाली है बरेली वाली। तू भी मुझे नहीं जानती है। मेरा नाम भी जमीला किनापुर वाली है किनापुर वाली। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओहो फोन करके महतारी को बुला लिया तभी तो अनबोलने वाली बन रही। जने कितनी तमीजदार है। बदतमीज होगी तू और तेरा खानदान खबरदार। चुप हरामजादी। देखा जमीला इसे कहते हैं खानदान और मेरी नस्ल। एक लगते ही गर्दन नीचे कर ली बिल्कुल तभी तो मुझे नसीबन बरेली वाली कहते हैं। हाँ हाँ देख लिया इसे क्यों नहीं सिखाई गर्दन नीचे करनी। मारा तो पेट भरा पड़ा है। पेट भर गया तो ले जा रही हूँ अपनी को चली चल। अम्मी पानी लाऊं या चाय पियोगी। हमें ना है जरूरत ऐसे घटिया खानदान की चाय पीने की। ना पता हरामजादी कब ताना मार देवे। जो अपनी बहू को सही से ना रख सके उसे क्या पता किसी के मान सम्मान का। ओहो आदर मान वो संस्कार सिखा के भेजे अपनी बेटी को। जा बेटी जा अपनी ससुराल में बहुत मान सम्मान करिए आदर भाव करिए। यहाँ पूरा गाँव जाना है इसे जितना आदर मान करे। या ले जा इसे हमें ना है जरूरत इसकी। मैं तो अपने का दूसरा निकाह कर लूंगी। हाँ हाँ कर लियो निकाह करके दिखा निकाह मैं भी देख लूंगी तुझे चली चल। अम्मी बैग ले आऊं। मेरा नाम भी नसीबन बरेली वाली है बरेली वाली। तुझे दिन में तारे ना दिखा दिए तो बात रही। जा जा बरेली वाली देख ली बरेली वाली। मैं तो अपने का दूसरा निकाह कर लूंगी। सारा खानदान नीच है। अपनी बेटी को समझाने से तो गई और सर पर चढ़ा कर लेगी कमबख्त। अबे अम्मी क्या हुआ कौन सर पर चढ़ गया कैसे बड़बड़ा दिया तू ठीक तो है। चली गई वो तो लेगी सर पर चढ़ा के अपने को। लेगी ले जान दे साली को जान दे। मैं साली को लाने वाला नहीं हूँ सही रहा। हाँ बेटा मेरे कहे बगैर लाइए मौत उस कमबख्त को। ठीक है नहीं लाने का हूँ। अम्मी भूख लग रही रोटी पका लो। हाँ बेटा तू बैठ मैं तेरे लिए रोटी पकाती हूँ। ठीक है चाय तो ले आओ एक कप। लाती हूँ। ला बैग ला छोड़ इसे बैठ जा यहाँ रह तू आराम से। बिल्कुल टेंशन मत लियो यहाँ बिल्कुल आराम से रह तू। वो हरामजादी बुढ़िया काले मुंह की ना चाय की ना पानी की मेरी सुसरी जाते ही लड़ने लग गई हमसे पटर पटर।
वो मर्जा हरामजादा शरीफ का बच्चा, मेरी लोंडिया गलत घर में फंसवा दी कंजरों में। अम्मी तुम बाजी का दूजा निकाह कर दो, बस एक्चुअली भी बेकार है। आई। क्या कह रही है हरामजादी? मेरे शेख जी हैं, मैं उन्हें कुछ भी कह सकूं, तू कहेगी तो जिंदी दफना दूंगी। आए हाय मेरे शेख जी हैं, अब भी रुक नहीं रही उसके बिना। आए हाय शेख को कुछ ना कह दियो, आ गई लाड़ में बस। लाड़ की बात सुन लो अम्मी, शेख जी मेरे बगैर रहने वाले नहीं है। रहने वाला नहीं है तो मैतारी की क्यों चलाता है, अपनी क्यों नहीं चलाता थोड़ी बहुत? हाँ यही तो बात गलत है, बस यही बात गलत है तो सुन ले, जिस दिन अपनी चलाने लग जाएगा ले जाएगा आके तुझे, ऐसे तो बिल्कुल भेजने वाली नहीं हूँ मैं तुझे। भाजी मुझे माफ कर दो, मैं तो यूँ ही कह रही थी दूल्हा भाई को। अच्छा चल ठीक है अब कुछ खिला तो दे। हाँ सन्नो जा कुछ बढ़िया सा सालन बना ले और रोटी डाल दे, बाजी को भी खिला और मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। ठीक है अम्मी तुम दोनों बात करो, मैं यूँ गई यूँ आई। ठीक है बहुत कमेरी हो गई ये। अम्मी सन्नो का रिश्ता तो अच्छी जगह करना, मेरी तरह मत कर देना। अच्छी जगह तो मैंने तेरा भी करा था, वो मर्जा हरामजादा सरी फंसा गया हमें, अब पता नहीं हमारे नसीब तो कैसे ही है कैसे ही ना है। अम्मी कुछ नहीं, शेख जी तो अच्छे हैं, उनकी अम्मी खराब है थोड़ी सी। अबे उकसाना के बगैर तो घर खाली खाली लग रहा, बस अम्मी है के लिए। शेख चिल्ली बेटा कैसा उदास सा बैठा है, काम पे ना जाना तो जाए। अम्मी हाँ ऐसा लग रहा है जैसे घर में से कई आदमी कम हो गए हो। हराम जादे नो क्यों नहीं कहता, लुगाई की याद आ रही है, हैं? उसे याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अम्मी तुम भी तो अपनी चलाओ। अपनी चलाऊं मैं? अच्छा आज के बाद बस तेरी चलेगी, तू चला अपने घर में। अब मेरी चलेगी? हाँ चल ठीक है मेरी चलेगी तो ठीक है, चलो रोटी पका लो काम पे जाऊंगा। चल हाँ ठीक है मैं रोटी पकाती हूँ। जा अंदर। आज से तेरी चलेगी बस घर में। ठीक है अब मेरी चलेगी, मेरी चलेगी। रुखसाना कहती थी तुम्हारी नहीं चलती घर में, अब मेरी चलेगी। रुखसाना को जाता हूँ लेने। अरे उड़ जा रुखसाना। सन्नो रुखसाना कुछ खाना पीना नहीं है क्या बेटा? क्या बेटा भूखा ही रहना है? हाँ मम्मी भूख लग रही है, कुछ बना लो खाने को। जा बना लूंगी, पहले बिटोरे में से जाके उपले लिया। और सुन सन्नो। हाँ अम्मी। देख वो कूड़ा रखा है, जा वो फेंकिए। अभी फेंक के आई अम्मी। अम्मी हाँ बेटा। बढ़िया सी अंडे की आमलेट बना दो। अरे मेरी लड्डो, जाओ पहले काम करके आओ जल्दी जल्दी फिर बनाओ। ठीक है अम्मी अभी करके आ जाओ। बाजी जल्दी आ जाइयो। ठीक है अम्मी। साली पूरी नखरे दिखा रही है साली। बस सन्नो 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 ओवे साली बात तो दूर, पलट कर नहीं देख रही, पलट कर देख रही है। आ गई मैं यहीं पे, दो दिन भी नहीं हुए मैं भी बोलने वाली ओवे, नहीं रुखसाना भी आ रही है। ओवे ओवे रुखसाना ओबे बात भी नहीं कर रही कब वक्त, मैं इतनी दूर लड़ाई नहीं थी रुखसाना। ओबे ओबे कोई चीज नहीं बोल रही, नाराज हो रही है, है? अगर इसकी अम्मी को पता चला, इसकी अम्मी तो और भी बम है बेटा। सी एक चिल्ली बात गड़बड़ है, खाली मोटरसाइकिल मांग के लाया हूँ, वो तो वैसे लेट हो जाएगा समझाने में आया। मैं रुखसाना भी मुड़ के नहीं देख रही, इतना बुरा हूँ मैं। आ गए ना, दो दिन भी नहीं रुका गया, चलती हूँ अम्मी को बताती हूँ जाके। ओबे इतनी नाराज हो रही है अम्मी, दूल्हा भाई को मैंने देखा। अरे ऐसा ना हो, कभी कोई और हो, और अगर वो है तो उसे शर्म ना आई आते पे हराम के बच्चे को। अम्मी शर्म हो या ना हो वो तो आ गया बाइक पे। बाइक पे आया सहजादा, कभी कोई और हो, तेरी आँखों का धोखा हो गया हो। अम्मी
धोखा ना हुआ, मैंने भी देखा मगर मैं जाने वाली नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, अरे तू चुप हो जा, हम देखें अभी जाके, तुम काम कर लो जाओ। ठीक है अम्मी, तुम जाओ, इतने में चाय में उफान लाती हूँ। उफान? उफान तो मैं लेके आऊंगी उसकी जिंदगी में। अभी जा रही हूँ, अब गई और मैं अब चलूं। तू यही मर जा, तू पहले जी अम्मा बन के आ गए, हर बात में आगे बढ़ाइए जाके, यही मर जा। अम्मी खींच के लेना काम को, डरना मत। बाजी तुम चाय पकाओ, मैं दूल्हा भाई के लिए नमकीन बिस्कुट ले आऊं। जल्दी से बिस्कुट भी ले आइए, जो मिलेगा वो ले आऊंगी। हाँ इतने में चाय पकाती हूँ, शेख जी आ गए। ये न जीने देंगे मुझे, बिल्कुल परेशान करके मारेंगे बुढ़ापे में। अम्मी अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अम्मी तुम कैसी हो? सलाम तेरी 100 बार, हम मरे या जिए तू यहाँ लेने क्या आया? अभी तो मेरी लोंडिया के आंसू भी न सूखे और तू फिर से रुलाने आ गया उसे। ऐसी बात नहीं है अम्मी, आपकी याद आ रही थी, याद बहुत आ रही थी मुझे। ओहो 1 साल से तो ना आई याद तुझे मेरी, अब मेरी लोंडिया आ गई तो याद भी गैल गैल आई है तेरी। बात ये नहीं है अम्मी, पहले घर में अम्मी की चलती थी, अब किसकी चलने लग गई घर में? अब मेरी चलती है। ओहो जैसे मैं कहता हूँ वैसे होता है, सब कुछ बदल दिया। और अम्मी अम्मी तो कुछ कहने वाली नहीं है। इतनी जल्दी क्या हुआ, एकदम से ही वायरस खत्म हो गया तुम्हारे घर का? वायरस खत्म नहीं अम्मी, तुमने तो बहुत जल्दी करी, तुमने वहाँ ड्रामा कर दिया, तुमने एकदम लेके भाग गई, मुझे भी घर पर ना आने दिया। क्यों हम डरे हैं तुझसे? हम डरे हैं किसी से? किसी बात में कम है हम तुमसे? डरती नहीं है। हमें काम था, हम जल्दी में थे, ले आए हम अपनी को जल्दी से। काम तो सभी करे अम्मी जी, ऐसा तो कहीं नहीं होता। बस बस, मेरी ऐसी हतनी सी बच्ची थी बिल्कुल, तुमने काम करवा करवा के दोनों माँ बेटों ने बिल्कुल बकरी सी बना दी मेरी बच्ची। जा अपना काम देख जाकर। अम्मी जी नाराज मत हो, आज ना तो कल, भेजना तो है ही, तुम राजी राजी भेज दो, अब मैं ठीक रखूँगा। तेरी क्या गारंटी है तू ठीक रखेगा उसे? मारे तो ना अब उसे तू। हाँ हाँ गारंटी है, मेरी गारंटी है, आँख भर के भी नहीं देखूं, मारना तो बहुत दूर। पूछूंगी पहले जाके रुखसाना से, मैं झूठी हाँ ना भरने वाली हूँ खामखा। रुखसाना से क्या पूछना, जैसे तुम लाई ऐसी भेज दो, बड़ी तो तुम ही हो। बड़ी हूँ तो क्या तुम मुझे लेने आया है? रहना तो रुखसाना को ही है। मैं तो कुछ नहीं बोलता, ठीक है और ना मैं कुछ बोलूँगा। बोलने लायक तो तुम हो ही ना, हाथ जुड़वाओ पहले पूछूंगी जाके। गारंटी है मेरी अम्मी, गारंटी है, कभी कुछ कहूंगा भी नहीं, शिकायत बता दियो तुम। पूछूंगी जाके रुखसाना से, मैं तुझसे खामखा हाँ भरने वाली नहीं हूँ। ठीक है हाँ हाँ मक्खन न लगावे, जा रही हूँ मैं रुखसाना से पूछ के बताऊंगी। ओवे अकड़ रही है बुढ़िया, अकड़ रही है। ओ, पता नहीं रुखसाना से पूछेगी और रुखसाना मना कर देगी तो है? अगर मोटर चला गया तो अम्मी बोलेगी ले आया, मैं आ गया लाड में और ये मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल मांग के लाया हूँ रईसु के समझी की। बाजी कहाँ हो, जल्दी आ जाओ मैं नमकीन ले आ रही हूँ, चाय भी बन गई। अरे चाय कहाँ ले जा रही है ये? ये अम्मी वो सन्नो सन्नो सन्नो। अम्मी मैं क्यों बोलती, ये बोल रही थी कि मैं शेख जी को चाय दिया हूँ। अच्छा तू बोल रही थी, कदी वो चला जाए उसकी शक्ल देखने को ना मिले तुझे। अम्मी वो मेरे से तो बोल रही थी, जाऊंगी तो पूरे खोल करके जाऊंगी, हो गई खोल आ गई लाड में। अम्मी तुम्ही ने तो सिखाया है घर पे आए गई की इज्जत करनी चाहिए, चाय पानी देनी चाहिए, तो अम्मी चाय तो बनती है। तो कम से कम ये तो देख लेती अम्मी बात करने गई है, जब तक की तो तसल्ली कर लेती। रुका तेरे पे बिना गया बिना खसम के, जा चली जा उसके संग, तू जा प्यारी बन जा अपनी मियाँ की, वार हो जाएगी अन्नी हमें बुरा बनवा के, तू भली बन जा, जा चली जा। ठीक है अम्मी मैं भी जा रही हूँ। तू कहाँ जा रही है, यहीं मर जा, असली लड़ाई की जड़ तो तू ही है, चलेगी मेरे साथ। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, जान दे खूब लाड लड़ा लेते हैं इसे, मैं बिल्कुल भेजने वाली नहीं हूँ। ले चाय पी ले और कुछ खा ले। चाय तो तेरी अम्मी पिला गई, तुमने पानी तक का नाम लिया ना, पूरा पेट भर गई है, पेट भर गया। पीनी हो तो पी ले वरना मैं वापस ले जाऊंगी। चल कोई बात ना, मेरी ऐसी आदत भी ना जो तेरी बात को नाटू। हाँ ले पकड़ से, और नहावे तो पानी गरम कर दूं। मारने के राजा क्या,
अब चाय पिला रही है, फिर नहलाएगी, सर्दी गर्मी करवाएगी, मारने के राधा। तेरी अम्मी ने बतलाया होगा सबूर, एक बार सुन ले, ले चलने की तैयारी कर ले, पीली चाय। मैं जाने वाली नहीं हूँ, मर जा परा। ओबे, ओबे साली, चाय भी पिलागी, नहाने की बोल रही है, कह रही मर परा। हाँ, ये अपनी अम्मी से डर रही होगी, इसकी अम्मी बहुत खतरनाक है, पूरा एटम बम है। अम्मी, अम्मी, क्या सोच रही हो अम्मी? मैं सोच रही हूँ वो हरामजादा शेख चिल्ली का बच्चा आ तो गया, मैं तुझे भेजू तब तवाई, ना भेजू तब तवाई। अम्मी मैं बिल्कुल जाने वाली नहीं हूँ, मैं तो यहीं रहूँगी तुम्हारे पास ही। मैं नहीं जाऊँगी। नहीं जाएगी तो चाय क्यों पिला के आई हो उसे अपने खसम को? वो तो यूँ घर आई की इज्जत करनी पड़े, वरना तेरे नाम पे सब थूकेंगे। और यू यू सन्नो यू नसीके की ये लखन। मुझे कुछ कहने की जरूरत ना है और ना मुझे कुछ सीखने की जरूरत, मुझे तो सिखाने वाली बैठी है, मुझे तो तुम धक्का दे गई, कभी मैं दूल्हा भाई को कुछ सिखाना दूँ? अरे ये क्या कह रही है तू? और तू आए गए की इज्जत कर रही है ना, जा चली जा, उसके संग चली जा आज। अगर वो मुझे मारेगा फिर बचा लोगी मुझे, ले आओगी वापिस? जी या मर, हम ना आने वाले लेने, आज भी जाना है तुझे और कल भी जाना है। अगर मैं ना जाऊँ तो? ना जाएगी तो हमारी इज्जत इसमें भी घट रही है। जाऊँ अम्मी हिम्मत से करके, वो आज तो मोटरसाइकिल भी लाया। मोटरसाइकिल लाया है तो जा, चली जा उसके साथ, तैयार हो ले, रख ले हमारी इज्जत। और एक बात सुन ले, उससे जाके कह दिए मैं जाने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है बाजी, तुम तैयार हो, जब तक मैं दूल्हा भाई को गांव में घुमाना हूँ। गांव में घुमाने को रहने दे करम जली, अगर उसने गांव में किसी को कुछ बता दिया तो इसमें भी इज्जत हमारी घट रही है। ठीक है अम्मी, ना जाने क्यों, मगर तुम भी मेरे साथ चलो, मैंने उन्हें कई बार गलत कह रखी है, कभी वो बुरा मान जाए। अच्छा ठीक है, चल चल। अरे मुझे तो साथ ले ले। भेज दे अम्मी भेज दे, मैं तैयार हो रही हूँ। आज तो मोटरसाइकिल लेके आए हैं शेख जी। दूल्हा भाई राजी हो लो, बाजी तैयार हो रही है। तू तो मैं समझाऊ था, एक ना एक दिन तो जाना पड़े, लड़की कौन अपनी माँ के यहाँ रहे, ये तो इज्जत और सम्मान की बात है। अब ज्यादा प्रवचन ना देवे और एक बात सुन ले मेरी, कान खोल के अपनी महतारी को समझा दिए। अम्मी अम्मी तो मामू के जा रही है, वो नाने वाली, अम्मी नाने वाली। आ जाएगी वो हरामजादी, वो ना बसे मेरी सुसरी कहीं पे भी। एक बात सुन ला, बोलिए तमीज से, अम्मी को कुछ ना कह दियो बस। ए कान पर इतने तमाचे बजाऊंगी, वो हमारी समधन, हम उसकी समधन, समधन समधन हम आपस में कोई बात करें, तेरा क्या मतलब बीच में रही रुखसाना की बात, वो जाने और तू जाने। चल रही, चल घर को, चल चल घर, चल चलो अम्मी तुम घर को चलो। चलो चलो मैं आ रहा हूँ, पखानगर का थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, पखानगर का मोटरसाइकिल लेकर आ रहा हूँ। ये थे अम्मी मानगी, सन्न मानगी, रुखसाना को तैयार कर रहे हैं, थोड़ी देर में लेके चल रहा हूँ। ये थे की जान, मोटरसाइकिल लाया मेरे लिए, मोटरसाइकिल लाया। अम्मी आई नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई अम्मी। देखो मेरी बेटी कैसी इज्जत रखे अपनी माँ की, अपनी सास का कहाँ मानिए, पहले तो कुछ मत कहिए। और उसने बार बार कही तो? उसके बाद भी कुछ कह तो मैंने जान, तू बस एक बार फोन कर दिए मुझे, भागी भागी आऊंगी। अगर उसे छठी का दूध याद न दिला दिया ना तो मेरा नाम भी नसीबन बरेली वाली नहीं। अम्मी वो भी जमीला किनापुर वाली है, कभी अपना नंबर ही बदल दे तू। नंबर क्यों बदलती बाजी, नंबर मेरा पास रहेगा। ठीक है तो चल मेरी बेटी, चल आ चला। अब तो ठीक है, निकल गई तेरी मरोड़। मेरी क्यों निकलती, मरोड़ तो तेरी निकल गई, मेरी अम्मी ने निकाल दी। मैं तेरी अम्मी ने तो अपने दिल की निकाल ली, मेरी बेइज्जती कर दी थी बाग में खड़ी होकर। अच्छा और तेरी अम्मी जो मेरी रोज बेइज्जती करे,
तेरी अम्मी तो हमारी अम्मी को गाली बकती रहे हमेशा, है बहुत गलत करे। हाँ आ गया ना भाई, आ गया ना अपनी अम्मी के लाड में। हल्दी बोलेगी, हल्दी बोलेगी सारी को ये कर दूंगा ठीक। बदतमीज, आराम से चुप बैठी रहे, बोल मत जियो कुछ भी, अम्मी को ना कह दियो कुछ भी। तुझे पता मेरी अम्मी कितना प्यार करती। ले क्या अम्मी के कहने से ना आया, तेरी अम्मी ने तो पूरी बेइज्जती करी है मेरी, आई समझ में? और तेरी ना करती मेरी रोज की रोज बेइज्जती है। तेरी अम्मी भाई, मेरी अम्मी ने तेरे कालजे पे धरी रहा मगर साली। आ गया ना अपनी औकात पे, हमें हमारी औकात बताएगी बदतमीज। रोक बाइक, रोक जल्दी बाइक, नहीं रोक बाइक, नहीं रोक बाइक, सुन ले नहीं तो मैं जल्दी बाइक पे से कूद जाऊंगी। रोक ले, मैं बिल्कुल नहीं रोकूं। रोक अब तो बाइक, रोक रोक रोक, मुझे यही उतार। वाह हिला मत साली, आराम से बैठी है। रोक बाइक, बाइक रोक ले नहीं तो मैं कूदू। रोक बाइक, रोक बाइक, गिरवाएगी। हट, मैं ना बैठू। अम्मी को फोन करूं? अम्मी देख ले, फिर वही खेल खिला रहा। अम्मी तू जल्दी आ जा, अम्मी कमालपुर वाले रोड पर मंदिर के पास। हाँ अम्मी वही आ जा, अभी आ रही है, तेरी खाल में घुस भरेगी। अच्छा मैं बिल्कुल ना मानू, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे वरना तेरा बचा दूंगी। सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ है। सही कह रही हो तुम, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही अम्मी तू। हाथ में तो लगा, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। अरे शेखू तू, मुझे पता था तू यहीं आएगा। पता था तो ले जा अपने पुत को। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। देख हम तो तेरे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते, और मेरा शेखू तो तेरे बगैर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं रह सकता बेटी। अरे भला उस शरीफ का जो मुझे यहाँ ले आया। बेटी मैं कहाँ जाऊँ, हम तो तेरे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते, और मेरा शेखू तो बिल्कुल नहीं रह सकता तेरे बगैर। रुक जाना बेटी। और मैं कैसे यकीन मान लूँ, अभी तोते की तरह पढ़ा के भेजा तेरे बेटे को, और अभी तो घर भी ना पहुँचा, रास्ते में तिरिय चरित्र दिखाने लग गया अपनी। रुकसाना की अम्मी, मैं आज से कसम खाती हूँ, आज के बाद कोई शिकायत नहीं आएगी। देखो समदन, रिश्ता तो प्यार का होता है, हमने शेख चिल्ली के आते ही रुकसाना को तुरंत भेज दिया। अम्मी, हाँ बेटा। कैसे नहीं भेजा, पूरी शिकायत करिए जब भेजा। समधन शर्मिंदा मत करो, जब इतनी बात होने पर भी तुमने रुकसाना को भेज दिया, तुम तो महान हो महान। अगर दोबारा शिकायत आई ना तो अम्मी रुकसाना को भेजने वाली नहीं है। बस आज के बाद कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जब सवराजी तो रबराजी, वैसे भी मेरा नाम नसीबन बरेली वाली है, और मैं भी कम नहीं हूँ, मेरा भी नाम जमीला किनापुर वाली है। ओवे, अच्छा था, फिर मिलेंगे। भाईजान अगर फिल्म अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। और यदि दोस्तों हमारी मूवी में आपको कोई भी कमी नजर आए तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि हम उस कमी को पूरा करें। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मेरी आंखें सच में बहुत दर्द करने लग गई है लगा लगा के, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा सपोर्ट करना। और मैं पिट पिट के बहुत परेशान हो गई हूँ सपोर्ट करना। और जमीला के नापुर वाली को तो आप जानते ही हो, प्लीज 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 दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर। और मेरी तो मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो गया, जरूर सब्सक्राइब करना जरूर। और हमारे आरतीप जी बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस, एक बार इधर भी आए। चलो आरतीप को बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है।